हिमाचल का अजिहा चमत्कारी झरना जिथे अज भी दिखाई देंदे ने शेषनाग, पहला इथे डरदा कोई नहीं सी जांदा। फोटो लेने अपने झरने का तो शेषनाग अंदर आएगा, हां दूर से आएगा, उसका रंग भी लाल रंग का होगा, इसीलिए लोग तपस्या करते हैं वहां जाके नहाते हैं धोते हैं, और लोग कोई नहीं जाते थे वहां, डरते थे लोग। चलता है इधर एक बखरा ही मजा आया, ज्यादा ही मंदा हाल आ, पूरी जबरदस्त लैंड स्लाइडिंग हुई इधर, है सारे लकड़ा के घर आ, बहुत पुराने पुराने। ओके, मतलब आ जी रेल लाइन आ, ये पंजाब के अंदर आ ना जी, पंजाब के हुण तो भाई काम खत्म ही है जी, इस ट्रेन का ना जी, बिल्कुल जी खत्म है। खड़वा बोलते हैं, खड़वा उसका जहर निकालता हूँ मैं, और नागराज का जहर निकालता हूँ, बोलते हैं कई लोग बिच्छू का जहर निकाला जाता है, तो मेरे पास इस टाइम में 35 केस है बिच्छू के जहर निकाल के मैंने ठीक कर दिए है, तो डॉक्टर लोग भी आते हैं हमारे पास, जो सरकारी डॉक्टर है वो भी आते हैं, इस वक्त हम हमने किसी की तरह मांगते हैं पैसे दो हमारे को कुछ दो नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, PV7 राइडर चैनल में ताड़ा सारे का बहुत बहुत स्वागत, मैं हाँ ताड़ा दोस्त अमृतपाल, इस वेले मैं ब्रोट वैली के शहर के खड़ा हाँ, तुम आले दुआले का व्यू देख सकते हैं, वॉटरफॉल मेरे बिल्कुल बैक साइड से जरा एक बखरा ही व्यू दे रहा है, संघना जंगल जिसे नेचर का बयान नहीं किया जा सकता। अज असी तुहानू ब्रोट वैली दी सोहणियां सोहणियां लोकेशन दिखा लेणियां आले दुआले दी, इत्थे एक बहुत पुराना पिंड आ, उत्थे भी असी जाणा आ, उत्थे दे स्थानी लोकां नाल गल्लबात करांगे, ते उहनां नू किदां दा जीवन अपना बतीत कर रहे आ उहनां बारे जाणांगे। हुण चलदे आ, पहलां तुहानू मार्केट दिखाईए ब्रोट वैली दी, एक बिल्कुल सामने साडे पॉइंट आ ब्रोट वैली दा बहुत फेमस, हर कोई इत्थे आ के अपनी सैल्फी खिचाउंदा आ, ते उह तुसीं देख सकदे आ, एक वार तुहानू असी दूरों दिखाने आ, उस तो बाद कोल जाके तुहानू ये पॉइंट दिखावांगे, जिहड़े आए होणगे उन्होंने पता होएगा। हुण पहलां असीं तुहानू वाटरफॉल दिखाईए जिहड़ा बिल्कुल साडे कोल आ, हुण तुसीं जिधर भी नज़र मारोगे देख लो किन्ना संघना जंगल आ, ते आ सामने लोकल स्थानी लोकां ने ग्राउंड बनाई हुई आ जिहड़ी बहुत वधिया लगदी पई आ, मौसम बहुत वधिया लग्गिया सानू रात, तो सानू रजाइया लगे पैना पिया, इतने इन्ना वधिया मौसम आ, हुण भी ठंडी ठंडी हवा चलती पई आ, चलो हुण चलते हैं थले जाके तुहानू वाटरफॉल दिखाईए। नालियां जी बगदिया पई आ, वाटरफॉल कोई कितों पानी आ रहा, वाटरफॉल का कोई कितों आ रहा, बर्फ वर्गा पानी है, बर्फ वर्गा है, साफ पानी है ना, ये जरा पानी आ बहुत उपरों आता है ग्लेशियर के तरह के, इतने बहुत वाटरफॉल आ, तो वह भी दिखावे, इतने का जो मेन वाटरफॉल आनू शेषनाग वाटरफॉल भी कह देंगे, तो उधर भी लैके चलोंगे तुम, असी हूँ तुम्हें मेन पॉइंट दिखाते हैं जिते लोग सैल्फिया खिचाते आ गए, ब्रोट वैली का फेमस पॉइंट देख लो जिते हर कोई आ के सैल्फी खिचाता आ, एक बखरा ही यदा दृश्य बहुत वधिया लगता है, चलता हूँ ये कोल चलते हैं असी, तो यदा मज़ा लेने जो ये चलता है, यदा एक बखरा ही मज़ा आ, जिहड़ा भी मेरा कोई भरा भैन जे इत्थे आया तो इत्थे आके जरूर अपनी सैल्फी तो यदा मज़ा लियो। चलो हुण चलते हैं दूसरे पासे, वैसे ये पॉइंट बारे हर किसी पता है जिहड़ा इत्थे आउंदा आ। चलो हुण एक बार तुहानू असीं डैम का व्यू दिखा दईए, बिल्कुल कोल आए दे असीं, थोड़ा जिहा उतर के बिल्कुल कोल आ गए सी, आ डैम का पानी आ जिहड़ा स्टोर किया गया आ, इहदा तुसीं देख लो किन्ना वधिया व्यू नज़र आ रहा, आले दुआले पिंड भी किन्ने वधिया लगते पए आ, जिहड़े पहाड़ियां दे उत्ते ही सारे टिके होए आ, इदां लगदा पिया जिदां पहाड़ियां दे उत्ते ही चक चक के रखे हुंदे आ, इदां दा इहनां घरां दा व्यू आ।
ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, 6-7 ਗੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਰੋਟ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਆ ਛੰਨਣ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਰੋਟ ਵੈਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ 83 ਮੈਂ, ਅੱਛਾ 83, ਹਾਂ 83 ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੰਨਣ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਰੀ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਟਰੀ ਜਿਦਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡੌਣੇ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਤਾ ਨੀ ਤੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਰੋਟ ਵੈਲੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰੋਲੀ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਿਊ ਪਲੱਸ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖਤਮ ਹੈ। ਜੋ ਹੈਡੀਗਰੀ ਜਾਗੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਂਪਾਰਕ ਉਹ ਪੱਟੜੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਔਰ ਕੋਈ ਔਰ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਕੁਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਸ ਨਹੀਂ ਔਰ ਟ੍ਰੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ, ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਪਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਬਲੌਗ ਸਾਡਾ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਟੋਲੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਇਸ ਬਰੋਟ ਵੈਲੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਆ ਕੇ? ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਉਹ ਰੋਡ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਬੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀੜ ਬੀੜ, ਹਾਂ ਉਹ ਲੈਨ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਯਹੀ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵਹ ਪਹਾੜ, ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਜੋ ਗੁੰਡਾ ਮੇ ਹੈ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਆ ਦੇਖਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਟਰਫਾਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ, ਵਾਟਰਫਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ ਬਰੋਡ ਵੈਲੀ, ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਝਰਨੇ ਝਰਨੇ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ, ਇੱਕ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਲਪਾਸ ਹੈ, ਵਹਾਂ ਪਰ ਝਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੜਕ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ
फ्रूट वगैरह की फ्रूट जो सेब है जिस दिन जो है यहाँ पर बगीचा है वो मुल्तान के ऊपर है वो बगीचा लग गया है सेब का और ऊपर वो जो घाटी है छुआर है जो छोटे छोटे जो पुलिंग है जो खड़ी मिलाब ये जो है उन्होंने छोटे छोटे बूटे लगाए गए और बाकी कोई ते जानवर केड़े केड़े पाए जाते जी यहाँ पर जो देखो बंदर है जो की कहने भालू है और बाकी बाकी तो है भालू भालू मतलब केड़े रंग दा हुंदा जेड़े भालू हुंदे ना भालू होता है काले रंग दा हुण असीं तुहानूं ब्रोड वैली एक बार घूम फिर के दिखा दीए आले दुआले पहला बार का नीचे दिखाते हैं तुहानूं बिल्कुल आ डैम के आले दुआले का जिहड़ा आ उस तो बाद फिर चलते हैं बार बार झरने वाल जिहड़ा तुहानूं पहला पॉइंट दिखाया सीगा इहनूं फुवारा भी कहिंदे आ ते एक बार इहदे आले दुआले दा सीगा चलो तुहानूं पासा दिखा दीए मोटरसाइकिल ते घूम के दुनिया पूरा मजा लेंदी इत्थे आ गए जिन्हां नूं इस एरिए दा पता आ आ सामने जिस होटल दे विच असीं रुके सीगे ते आ आ गया इहदे सामने देख लो तुसीं बैठण वास्ते बहुत वधिया बणिया होया और अंकल जी की हाल चाल जी बहुत वधिया जी बहुत सुनाओ पछाणे तुसीं पछाणे तुसीं ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਆ ਘੁੰਮਣੇ ਫਿਰਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਮੈਂ ਵਹਾਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਆਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਆਤਾ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਔਰ ਨਾਗ ਰੋਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ ਯਾ ਪਰ ਨਾਗ ਰੋਜ਼ ਕਾ ਸਥਾਨ ਥਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੰਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਤੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਮਹਾਚਲ ਕੇ ਬਾਲ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ ਜੰਨੇ ਕੇ ਪਾਸ ਔਰ ਜੰਨੇ ਸੇ ਨਹਾਤੇ ਹੈ ਲੋਕ ਔਰ ਟਰੱਕ ਲੈਤੇ ਹੈ ਟਰੱਕ ਕਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਤੇ ਹੈ ਬਰੋਡ रोड कोठीकोट बड़ा गांव में एक झरना एक और है उसी रास्ते में आगे हमारे को बड़े बंगाल का छोटे बड़े बंगाल का ट्रक लेते हम वहां जाके हम दो दिन दो नाइट लगती है हमारे को बड़े बंगाल में वहां चारों पास में पहाड़ी है और दो गांव है और गांव से कोई बाहर नहीं जाता है एक रास्ता है भेड़ा बकरी गद्दी लोग सारे से चामा और दिल्ली से सारे लोग आते हैं तो इसीलिए हम वहां भी ट्रक लेके जाते हैं तो मैं भक्त हूँ यहाँ का और देखो आप मेरी भाषा समझेगी नहीं जो खड़पा बोलते हैं हम खड़पा उसका जहर निकालता हूँ मैं और नागराज का जहर निकालता हूँ बोलते हैं कई लोग बिच्छू का जहर नहीं निकाला जाता है तो मेरे पास इस टाइम में 35 केस है बिच्छू के जहर निकाल के मैंने ठीक कर दिए है तो डॉक्टर लोग भी आते हैं हमारे पास जो सरकारी डॉक्टर है वो भी आते हैं कोई चीज लग जाती है कोई कीड़ा लग जाता है जहरीला उसका जहर भी मैं निकाल देता हूँ ऐसी बात है वो सर और कई लोग आते हैं हमारे पास देसी जड़ी बूटी का भी हमारे पास प्रयोग है कोई बवासीरी होती है किसी को कोई और रोग होता है कोई चमड़ी का रोग होता है कई रोग होते हैं फटके का रोग होता है वो हम ठीक करते हैं झाड़ा करते हैं झाड़ा के साथ हम सारी चीजें तोड़ देते हैं ऐसी बात है सर आगे के लिए भी कोई भी बंदा हमारे पास आएंगे तो फ्री से होकर हम नहीं किसी की तरह मांगते हैं पैसे दो हमारे को कुछ दो नहीं एक ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਝਰਨਾ ਆ ਜੜੀਆਂ ਬੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਿੱਲਾ ਆਤੀ ਆ ਮੂੰਹ ਮੇ ਆਤੀ ਹੱਥ ਮੇ ਆਤੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਹੱਥੋਂ ਧੋ ਔਰ ਕਿੱਲਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰੂ ਲਗਾਏਗਾ ਮਗਰੂ ਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਔਰ ਦੋ ਪਾਤੀ ਕਰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਵਾਟਰਫਾਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਗ ਝਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾਗ ਝਰਨਾ ਨਾਗ ਝਰਨਾ ਲਪਾਸ ਲਪਾਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੋ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਗ ਝਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਾ ਆਪ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਤਗੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਬਰੋਡ ਵੈਲੀ ਮੇਂ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਯਹਾਂ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਈ ਮੀਟਰ ਕੋ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਕਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ सबसे बड़ा झरना हमारा यही है यही है लपास वाटरफॉल है ना इसमें चेसनाग भी बोलते हैं लपास भी बोलते हैं
जब कभी फोटो लेने आपने झरने का तो शेष नाग अंदर आ ही आएगा, हाँ दूर से आएगा, उसका रंग भी लाल रंग का होगा। तो इसीलिए लोग तपस्या करते हैं वहाँ जाके, नहाते हैं धोते हैं। अच्छा शेषनाग वाटरफॉल मतलब इस करके कहते हैं, मतलब शेषनाग अपने पहले तो बोले उसकी झरना था नागराज का, बरसाता ने खत्म करता है, ज्यादा ही मंदा हाल आ, पूरी जबरदस्त लैंड स्लैंडिंग हुई इधर है, और देख लो आधा पत्थर ही बड़े बड़े, बहुत बुरा हाल आ, मोटरसाइकिल का चढ़ता ही नहीं है, बहुत औखा आ रास्ते का, मीन के नाल सारी मिट्टी मुट्टी इन्हें रुड़ गई आ, बट्टे ही रह गए बड़े बड़े, गड्डी का मुश्किल ही है इधर आना जिदा का रास्ता हो गया है। बिल्कुल सामने नज़र मारो पहाड़ी की चोटी के किदा घर चिने हुए इदा लगता पाया, तुम ये देखो लोगों का किदा इतने आना जाना होगा, काफी पुराने मकान भी इतने बने हुए आ। बाइक लाती असी अपनी ते हुण पैदल जा रहे हैं, ट्रैक वाए अद्धा किलोमीटर का होएगा वाटरफॉल तक, आ सामने घर देख लो लक्कड़ का बनया हुआ सारा, टोटली लक्कड़ यूज हुई है ते नाल पत्थर लगे हुए हैं थोड़े जे, ते मिट्टी लिपी हुई है उन्होंने, इस तरह के घर आ इत्थे, ते आ सामने उपर नज़र मारूंगे सारे तकरीबन लक्कड़ के घर आ, तो ये जिन्हें भी घर आ ये सारे तुसी इन्हां दी छत्तां देखो, ये तां इस तरह आ कि इत्थे जदों दसंबर जनवरी महीना हुंदा तां स्नोफॉल बहुत हुंदी आ, स्नोफॉल होण करके इस तरह दी छत्तां बणियां होईयां सारियां इन्हां दीआं। आ रस्ता जांदा थल्ले नूं जिहड़ा ट्रैक करना सी वाटरफॉल दा, हुण इक वार तुहानूं सामने फिर नज़र मरा दईए, तुसी उह सारे घर देखो पहाड़ी दी चोटी दे उत्ते इदां लगदा पिआ जिदां लटकदे हुंदे आ, सारे लकड़ां दे घर आ बहुत पुराने पुराने, जिन्हें भी तुसी देखोगे गिनती दे 10-15 मकान आ जिहड़े सारे ऐन पत्थरां ते मिट्टी नाल लिप के ते लकड़ां लगियां होईयां सारियां, कई तां बिल्कुल सारे लकड़ां दे ही आ, कोई पत्थर नहीं यूज होया इन्हां नूं, तुसी हुण देख लो किन्ने पुराने पुराने ये पिंड आ, पता नहीं किन्ने साल पुराने ये हैगे आ, तां इस तरह इत्थे तुसी देख लो लोग रहिंदे आ अपना जीवन बतीत करदे आ, हुण चलदे आ वाटरफॉल वल नूं। होर अंकल जी की हाल चाल जी? होर बैठे आ जी, वाटरफॉल चले सी देखा जी, मगर रास्ता ठीक है जी, बरसातां करके खराब करी होया, अगे अगे इस तरह का रास्ता शुरू हो जाता, रास्ता तकरीबन पक्का करता होया काफी, अगे जाके कच्चा भी आएगा, और तुसी आले दुआले नजर मारो, इहनूं कहिंदे कुदरत, जे असली मजा लेना कुदरत दा तां इत्थे जरूर आओ एक बार ब्रोड वैली च, इत्थे आके पूरा आनंद लो नेचर दा, हुण तुसी देख लो आले दुआले ऐन शांति आ, पंछियां दीआं जीव जंतुआं दीआं आवाज़ां ही तुहानूं मिलणियां, जां फिर तुहानूं वाटरफॉल दीआं आवाज़ां सुणन नूं मिलणगीआं, तुसी जिहड़े मर्जी होटल दे विच इत्थे रुक लो, तुहानूं रात नूं दिने भी इहनां झरनिआं दीआं आवाज़ां मिलणगीआं सुणन नूं। हुण देख लो अजे वाटरफॉल बहुत दूर आ इत्थों, तां वी आवाज़ आ रही है इत्थे तक भी, असीं अजे वाटरफॉल तों काफ़ी दूर हाँ, ते असीं क्या तुहानूं दिखाईए कि हाइट तों किदां दा नज़र आ रहा है वाटरफॉल, इस तरह का इहदा व्यू आ, असीं थोड़ा जिहा होर अगे आए हाँ तां आह देख लो एक फ्लाईओवर जिहा बणिआ आया सोका जिहा, क्योंकि रास्ते दे विच झरने का पानी जिहड़ा जांदा आ क्रॉस हो के उहदे करके बणाया होया आ। असीं पहुँच गए झरने दे कोल, आह देख लो आले दुआले दुकानां बंद पईआं, जिहड़े कैफे बने होए आ सारे बंद पए आ, कुर्सियां वगैरह इदां ही लगियां होईआं आ, तुसीं नज़र मारो एक बार ये झरने वल, किन्ना सोहणा झरना आ, किन्नी हाइट तों पानी सीधा आ रिहा आ, वाह क्या मजा आया, पूरा नज़ारा आएगा तुहानूं इत्थे आ के,
एक बार अपनी फैमिली दे नाल इत्थे जरूर आओ, तुसी देख लो किड्डा वड्डा वाटरफॉल आए। इहदा एक वखरा ही व्यू नज़र आ रहा आ जिहड़ा बयान नहीं किया जा सकता। पूरी स्पीड दे नाल पानी थले डिग रहा आ। वाह भी वाह, बहुत वधिया लगूगा। आले दुआले देख लो पहाड़ा दी नेचर, हरियाली हरियाली आले दुआले। वीडियो काफ़ी लंबी होने करके असी ये दो पार्ट करन लगे हाँ, तो पहले पार्ट की असी हुण समाप्ति करते हैं। तो हुण इस तो बाद असी तुहानूं पोलिंग पिंड आ जिहड़ा ब्रोड वैली का एक लास्ट पिंड आ, बहुत पुराना पिंड आ, तो वह दिखावांगे। हुण उधर नूं चलते हैं, तो जिहड़ा ये ब्लॉग आ तो ये पार्ट वन दे विच आएगा, तो पार्ट टू दे विच असी तुहानूं पिंड दिखावांगे। हुण करते हैं पार्ट वन की समाप्ति। आस करते हैं कि तुहानूं ये पार्ट वन वधिया लग्या होएगा। वीडियो नूं लाइक ते शेयर कर दो दब के सारे। धन्यवाद।